हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू अवर चैनल होमी टिप्स। आइए चलते हैं आज कुछ नया सा करने। ठंड का मौसम आते ही फटी एड़ियों की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है। तो दोस्तों, आज जो मैं रेमेडी बनाऊंगी वो बहुत ही सरल और आसानी से बनेगी। घर में हमारी दादी, नानी, मम्मी, बुआ सभी लेडीज घर के कामों में इतनी व्यस्त होती हैं कि अपने लिए वक्त ही नहीं निकालती। तो आज आप इस रेमेडी को बनाइए और अपने बड़े बुजुर्गों से जरूर यूज करवाइए। बहुत ही अच्छी होती है ये रेमेडी। हमारी पूरी बॉडी का वेट पैरों पर ही होता है, ऐसे में हमारे पैरों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। चलिए चलते हैं इस रेमेडी को बनाने के लिए। और हाँ, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, हम इसे कब कैसे लगाएंगे तभी मिलेगा आपको पूरा 100 गुना फायदा। आप यकीन नहीं मानेंगे पर 1-2 दिन में ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस सरल सी रेमेडी के साथ। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें किस किस सामान की जरूरत होगी। ये सब घर का सामान है। आप देख सकते हैं ये सरसों का तेल है, ये नारियल का तेल है, ये वैक्स है और ये है एलोवेरा। नारियल का तेल मैंने नारियल की तेल की बोतल को गर्म पानी में रखकर पिघला लिया है। इस रेमेडी को हम कैसे बनाएंगे, किस रेशो में बनाएंगे, ये बहुत ही खास बात है। अगर आप इसे सही रेशो में बनाएंगे तो आपकी रेमेडी परफेक्ट बनेगी। इसके लिए हम एक ही चम्मच का यूज करेंगे हर एक चीज को नापने के लिए। फ्रेंड्स, ये मैंने सबसे पहले एक ले लिया मोमबत्ती, व्हाइट कलर की मोमबत्ती है मेरी। आप देख लीजिए, इसे इस तरीके से पाइलर से या फिर आप ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं, आपको इस तरीके से करना है। अगर आपके पास कलरफुल मोमबत्ती है तो आप वो कलरफुल मोमबत्ती भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास व्हाइट मोमबत्ती है तो आप व्हाइट मोमबत्ती ही लें। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी मोमबत्ती को ग्रेट कर लिया है, आप देख सकते हैं। ये पूरा 1 चम्मच नहीं है, मैंने 1 चम्मच से कम लिया है क्योंकि मुझे उतनी ही रिक्वायरमेंट है। आप एक बार ध्यान रखें, आपको ये मोमबत्ती नाप लेनी है क्योंकि अगर आपकी मोमबत्ती ज्यादा हो जाएगी तो ये जम जाएगी और आपकी वैसलीन अच्छी नहीं बन पाएगी। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने 1 चम्मच भरकर सरसों का तेल ले लिया है। जितनी मैंने मोमबत्ती ली थी उतना ही मैंने नारियल का तेल लिया है, आप देख सकते हैं। सरसों का तेल हमने थोड़ा सा ज्यादा लिया है। मेजरमेंट पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, नहीं तो आपकी वैसलीन परफेक्ट नहीं बनेगी, वो जम जाएगी। नेक्स्ट हमें एलोवेरा लेना है। ये आपके घर में इसका पौधा होगा, वहां से ले सकते हैं। देखिए, आपको कुछ इस तरीके से इसको कट कर लेना है। मैं आपको करके दिखाती हूँ आपको एलोवेरा कैसे निकालना है। इस तरीके से आपको छोटे छोटे कट लगा लेने हैं ताकि आप इजीली निकाल सकें। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने एलोवेरा उतना ही लिया है जितना मैंने अपना मोम लिया था। अब मैं इसमें डाल दूंगी। फ्रेंड्स, बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पे हमें इसको पकाना है। फ्रेंड्स, इसे इसी तरीके से अच्छे से चलाते रहना। फ्रेंड्स, ये देखिए कितने अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब मैं अपनी जो फ्लेम है उसे बंद कर दूंगी और इसे नीचे उतार लूंगी। आपको इसे 1-2 मिनट ही पकाना है, उससे ज्यादा नहीं पकाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको इसको इसी तरीके से चलाना है जब तक कि ये ठंडा ना हो जाए। फ्रेंड्स, ये गुनगुना हो गया था इसलिए मैंने इसमें ट्रांसफर कर लिया है। अगर आपके पास नेचुरल एलोवेरा नहीं है तो आप विटामिन ई के कैप्सूल्स भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक कंटेनर में ठंडा पानी ले लिया है। अब मैं इसके अंदर अपने इस वैसलीन के मिक्सचर को रखकर इस तरीके से चलाती रहूंगी ताकि यह जम ना जाए और जल्दी ठंडा हो जाए। आपको इसे कॉन्टिन्यूसली चलाते रहना है कुछ इस तरीके से। विटामिन ई के कैप्सूल्स आपको इजीली मेडिकल स्टोर पर मिल जाएंगे। वैसे तो एलोवेरा डालना ही बेस्ट है, अगर आपके पास एलोवेरा है तो आप उसी का यूज करें। देखिए, इस तरीके से इसको चलाते रहना है। अब देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से हमारी चारों चीजें मिक्स हो चुकी हैं, हमारी बिल्कुल परफेक्ट वैसलीन बनकर तैयार हो चुकी है। अब आप इसे कवर करके रख दीजिए। फ्रेंड्स, अब जो मेरी खास बात है कि हम इसे लगाएं कब और कैसे लगाएं। अक्सर लोग कहते हैं हम लेडीज के लिए कि हमें पेडिक्योर कराना चाहिए,
पार्लर जाना चाहिए, पर हम लोगों के पास पेडिक्योर कराने का टाइम ही नहीं होता। हमारे पास खुद के लिए समय ही नहीं होता कि हम अपने आप को समय दे पाए। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमें इसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, इसका बेस्ट यूज आप सुबह मॉर्निंग के टाइम कर सकते हैं नहाने के बाद। जब आप नहा कर आते हैं तो आपके पैरों की स्किन जो होती है वो थोड़ी सी गीली होती है। वो बेस्ट टाइम होता है आपकी डेड स्किन के निकलने का। आप सबसे पहले क्या कीजिए, एक टॉवल लीजिए, अपने पैरों को अच्छे से रब कीजिए। उसके बाद एक स्क्रबर की हेल्प से अपनी एड़ियों को और आगे के पंजों को रब कीजिए ताकि आपकी सारी डेड स्किन निकल जाए। आप प्लास्टिक का या रबड़ का किसी भी तरीके का स्क्रबर यूज कर सकते हैं अपनी डेड स्किन को हटाने के लिए। फ्रेंड्स, नहाने के तुरंत बाद आपके पैर गीले होते हैं, जिस वजह से जो डेड स्किन है वो गीली गीली हो जाती है और सॉफ्ट हो जाती है। स्क्रबर की हेल्प से वो इजीली रिमूव हो जाती है। ऐसा करने से आपके पैर हमेशा साफ सुथरे रहेंगे और कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्रेंड्स, जैसा कि सबको पता है, पैरों का स्वस्थ रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हमारी बॉडी का वेट उठाते हैं। इसीलिए हमारे पैरों का स्वस्थ रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, स्क्रबर की हेल्प से आपकी पूरी डेड स्किन उतर जाएगी सिर्फ 2 मिनट देने से। उसके बाद आप अपने पैरों पे लगा लीजिए वैसलीन, जो वैसलीन हमने अभी बनाकर तैयार की है। आप इसे इजीली अपने पैरों पे लगाइए। थोड़ा सा लेना है आपको वैसलीन, कोई दूसरी दवाई लगाने की जरूरत नहीं है। आप इसी तरीके से इस वैसलीन को थोड़ा थोड़ा करके अपने पैरों की हर जगह पे लगा लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपके पैर में कट ज्यादा लगे हैं तो थोड़ा सा पैर को ज्यादा टाइम दीजिए, उस पे अच्छे से वैसलीन लगाइए। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन बाद में आपके पैर एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे, आपको समय कम लगेगा। हर तरफ से आप अपने पैरों पे अच्छे से वैसलीन लगाइए और वैसलीन लगाने के बाद आप पहन लीजिए अपने सॉक्स। वैसे भी फ्रेंड्स, सर्दियों का टाइम है और इस वक्त तो हमें सॉक्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स, आपको अपने दोनों पैरों पे वैसलीन लगाकर सॉक्स पहन लेनी है। अब इसके बाद आपको रात के टाइम इसे दोबारा लगाना है। आप रात के टाइम अपने सॉक्स हटाइए। अगर आपको पैर साफ करने की आदत है तो अपने पैरों को साफ कीजिए, उन्हें ड्राई कीजिए और दोबारा से वैसलीन लगा लीजिए। फ्रेंड्स, ये 2 टाइम जरूरी है लगाना। अगर इस वक्त आपके पैर ज्यादा खराब हैं तो पहले आप उसे गर्म पानी में साफ कर लीजिए और उसके बाद वैसलीन लगाइए। आप इसके यूज से इसका फर्क देखेंगे और खुद ही यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपके पैर इस रेमेडी को यूज करने से कितने साफ और सॉफ्ट हो गए हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज और बताऊंगी। अक्सर हम लेडीज को आदत होती है, जो हमने पैरों में लगाया वही हमने हाथ में लगा लिया, जो कि बहुत गलत है। इस रेमेडी को आपको हाथों में नहीं लगाना है। अगर लगाना भी है तो फौरन आपको हाथ साफ कर लेने हैं। ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि इसमें वैक्स है और अगर इसमें वैक्स है तो वैक्स हमारे हाथों में जाता है। हम इसी हाथों से खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं, तो ये बहुत ही गलत है। आप इस बात का खास ख्याल रखें और इसका यूज हाथों में ना करें। ये हमारी सेहत के लिए खराब हो सकता है। अगर आप इसका हाथों में यूज कर रहे हैं तो फौरन अपने हाथों को धो लें। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरा ये नेचुरल वैसलीन बनाने का तरीका